सो आज है 26 जनवरी और आज मैं हूँ अपने होम टाउन पे। सो चलिए आपको दिखाता हूँ 26 जनवरी का व्यू। और ये है 26 जनवरी 2024। सो ऐसा कुछ व्यू है और ये सब गेहूं की फसल का समय है। सो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ नदी की साइड और गेहूं दिखाते हुए। सो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए इस नेचर ब्यूटी को, बिकॉज इस सीज़न में बहुत ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। और ये सब जो दिख रहा है ये सब गेहूं है। और मैं भी चल दिया हूँ नदी की तरफ ऐसे ही टहलते हुए। और चलिए चल के देखते हैं कुआनो रिवर कैसी है आज 26 जनवरी 2024 को। और यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ गेहूँ की फसल ही फसल दिखाई देगी। और ये है मस्टर्ड ऑयल का पौधा, कितना सुकून, ना कोई आवाज ना कुछ। गेहूं ही गेहूं। अब पहले आप कितने पेड़ हुआ करते थे, अब देख एक पेड़ वहाँ पे दिख रहा है एक। हाँ धूप होती थी या बरसात होती थी वहाँ बैठते थे। अरे ये वाली देख पर्दी अभी तक है ना, यही थी ना कि बगल में खाली रहता था। पता नहीं किसका किसकी है अभी तक। अरे ये भी शायद खाली रहती थी फिर। और यहाँ पे देखो ये एक ऐसा खेत है जो काफ़ी टाइम से इसमें बुआई नहीं हुई इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखिए कोई भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अरे बरूल होते थे यहाँ पे बहुत ना, कांटे वाले। कटवा दिया यार, कांटा वाला भी था वो। और यहाँ पे कभी कभी खरगोश भी देखने को मिल जाते हैं और नीलगाय वगैरह। सो हम खेतों में से जाते हुए नदी की साइड इस नेचर ब्यूटी का एंजॉय करते हुए। और ये है वो घास जिसको लोग ये धान की घास है, धान का पौधा जो होता है शायद। और दूर दूर तक यहाँ पे गेहूँ ही गेहूँ दिखाई देंगे आप लोगों को। फाइनली जस्ट शायद 50 मीटर के बाद आने वाले हैं हम लोग, नदी पे पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को नदी का व्यू। और यहाँ से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा है, इधर से भी हम आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। सो आज तो हम लोग अपने खेत की साइड से आ रहे हैं।
हो सकता है कल कहीं और से आए, फिर उसका वीडियो हम आपको बना के दिखाएंगे। देखो यहाँ पे दूर दूर तक सब कुछ बस गेहूँ ही गेहूँ है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नदी पे। ये है यहाँ से इसका किनारा और देख सकते हो सूरज ढल रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे ही हम नीचे लेंगे वो सामने नदी दिख रही है। सो चलिए चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाते हैं इस नदी का, इस नेचर ब्यूटी का व्यू। ये सारी घासें हैं जो कि झोपड़ी बनाने में काम आती हैं या जलाने में। जैसे ठंडी का मौसम है तो लोग इसे काट के सुखा के फिर जलाते हैं गर्मी के लिए। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नदी पे, नदी के किनारे पे। और देख सकते हो ये, इससे हम लोग जलकुंभी का पौधा कहते हैं, ये जो नदी में एकदम खड़ा हुआ है। सो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से नदी का और हमारे चारों तरफ का। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। अगर मैं नदी के किनारे पे जाऊं तो ये देखो, ये है जलकुंभी। और वो देखो एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। और कुछ ऐसी नदी है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ जानवर ही आते हैं पानी वगैरह पीने, गाय भैंस और अदर जानवर जो भी यहाँ पे रहते होंगे, इसलिए यहाँ पे घासें ही घासें दिखेंगी नदी में। बट कुछ ऐसा भी है उस साइड और उस साइड जहाँ पे पूरा साफ है, जहाँ पे हम लोग नहा भी सकते हैं, उसको मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा जब भी उधर जाऊंगा। सो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। सो गाइज ये था कुछ व्यू। और सन देखो सेट हो रहा है, कितना प्यारा नज़ारा है, वाओ। ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है सन सेटिंग। और वो देखो ऊपर पक्षियाँ उड़ते हुए अपने घर को जाते हुए। चलिए दोस्तों ये था कुछ व्यू हमारे खेतों का, हमारी नदी के किनारे का। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।